हाय डियर फ्रेंड, हम सभी पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स में प्रैक्टिकल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स में जितने भी प्रैक्टिकल आते हैं उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के जो प्रैक्टिकल हैं वो मैंने सेंड किए हैं, और उसके सेकेंड पार्ट जो वीडियो मैंने भेजा है उसमें मैंने उसके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड क्या आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भेजे हैं। और आज हम पढ़ने वाले यूनिट वेट डिटर्मिनेशंस, जिसमें हम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे कि सॉइल के ड्राई डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके क्या क्या मेथड होते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें भी मैंने दो पार्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें एक क्वेश्चंस आई थिंक एक ही में ये कम्प्लीट कर दूंगा। मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि एक में ये कम्प्लीट हो जाए। तो मेरे साथ आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं वहाँ तक आप शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए, प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने आप सब्सक्राइब करेंगे जितने ही आपके फ्रेंड इससे जुड़ेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम आज करने वाले यूनिट वेट डिटर्मिनेशन, जिसमें ड्राई डेंसिटी हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी वाला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल मेजर द मास इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। इट मीन्स क्या है पार्टिकल डेंसिटी, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है सॉइल को मेजर करने के लिए, उसको मास को मेजरमेंट करने के लिए, उसको वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए, और जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, डेंसिटी मिलती है। पार्टिकल डेंसिटी फोकस ऑन जस्ट द सॉइल पार्टिकल देमसेल्फ एंड नॉट द वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई इन द सॉइल। बल्क डेंसिटी इंक्लूड बोथ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उसमें क्या होता है, दोनों वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है, वाटर और उसके सॉलिड को, ठीक है। जैसे मिनरल एंड ऑर्गेनिक्स पोर्शन ऑफ द सॉइल एंड द स्पेसेस वेयर एयर एंड वाटर आर फाउंडेड। डेंसिटी इज मेजर एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो मेजरमेंट किया जाता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सॉइल पार्टिकल डेंसिटी डिपेंड ऑन द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल्स इन द सॉइल। मोस्ट मिनरल पार्टिकल्स इन सॉइल्स हैव अ पार्टिकल डेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 2.6 to 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतने के बीच में आता है मैक्सिमम। जितने भी सॉइल्स के पार्टिकल हैं, मोस्ट मिनरल पार्टिकल्स इन सॉइल, जो जितने भी मिनरल्स पार्टिकल होते हैं इन सॉइल में, उसकी डेंसिटी का रेंज होता है 2.6 to 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान में रखना, ठीक है। हाउएवर द डेंसिटी कैन बी एज हाई एज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर वेरी डेंस मिनरल पार्टिकल्स एंड एज लो एज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर ऑर्गेनिक पार्टिकल। ऑर्गेनिक पार्टिकल के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि उसके लो डेंसिटी होती है 0.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आगे पॉइंट देख लीजिए, जितने पॉइंट बता रहे हैं आगे क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जितने भी मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, जैसे रेंज मैंने बताया कि उसके मिनरल पार्टिकल्स का रेंज ये है, फिर बाद में लो जो होगा, अगर वेरी लो की बात करूँ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का, तो इसका डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। आगे बोला है कि पार्टिकल डेंसिटी इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन बिकॉज इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड मैनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग द पार्टिकल डेंसिटी अलाउ अस नो समथिंग अबाउट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स वर्सेस मिनरल पार्टिकल्स इन द सॉइल सैंपल। बिकॉज पार्टिकल डेंसिटी कैन बी कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ नोन मिनरल्स सच एज क्वार्ट्स, फेल्डस्पार एंड मिकाज, और डेंसर मिनरल्स सच एज मैग्नेटाइट, गार्नेट और जिरकॉन। दिस मेजरमेंट आल्सो हेल्प टू इंडिकेट द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मिनरल। ये सारे पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन में देखे, और आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ हैव इंफॉर्मेशन ऑन बोथ द पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी, ठीक है, पार्टिकल की डेंसिटी और बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल, वी कैन कैलकुलेट द पोर स्पेस। इससे पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसमें कितना पोर है, कितनी वॉइड्स, पोरिसिटी कितनी है, डैट इज ऑक्यूपाइड बाई एयर और वाटर, जिसे कि ऑक्यूपाई कर सके वो एयर और वाटर। दिस इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज सच एज हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर इन द सॉइल, कितने वाटर उसमें स्टोर हो सकते हैं, हाउ फास्ट वाटर एंड हीट विल बी मूव थ्रू द सॉइल, हाउ इजिली रूट्स कैन बी मूव थ्रूली द सॉइल एंड द पोटेंशियल फॉर द फ्लड और ड्रॉट इन द एरिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमिनेशन
द फील्ड और इंसिटू डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाय कोर कटर मेथड, ड्राई डेंसिटी बाय कोर कटर मेथड या यूनिट वेट बाय कोर कटर मेथड हम फाइंड आउट करने वाले हैं। आगे कुछ थियरीज पार्ट है, जैसे मैं आपको बता दूं इसी के बेस पे हम कैलकुलेट करके और फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फील्ड डेंसिटी इज डिफाइन एज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ये कुछ थियरी पार्ट है। देखो थोड़ी थियरी की नॉलेज होनी चाहिए तभी उसके बेस पे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया है कि थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ समझने के लिए मुझे क्या है थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज की ज़रूरत होती है। थियरी की बेस पे हम न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो इसमें क्या पॉइंट बता रहा है, इस पॉइंट में बता रहा है कि फील्ड डेंसिटी इज डिटरमाइन एज वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन साइट, डैट इज क्या होता है इसको गामा से इंडिकेट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपन कैपिटल वी, और क्या होता है ये डेंसिटी ऑफ सॉइल है जो गामा की तरह इंडिकेट किया गया है, और उसके बाद से क्या है जो कैपिटल डब्ल्यू है टोटल वेट ऑफ सॉइल है, और वी जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। द सॉइल वेट कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज सिस्टम डैट इज सॉलिड वाटर एंड एयर, जो थ्री फेज में होता है सॉलिड वाटर एंड एयर। द वॉइड्स में बी फिल्ड अप विद बोथ वाटर एंड एयर, एयर के द्वारा वॉइड्स फिल हो जाते हैं या वाटर के द्वारा, और ओनली विथ एयर के द्वारा या ओनली विथ वाटर के द्वारा। Consequently, the soil may be dry, saturated और partially saturated हो सकता है, या तो dry हो सकता है जिसमें पानी ही ना हो, या तो saturated मतलब कुछ portion पानी हो, या partially पूरा saturated मतलब पूरा पानी पानी है, और partially saturated मतलब कुछ पानी है, ठीक है, कुछ वो air भी है। In soil, mass of air is considered to be negligible and therefore the saturated density is maximum. Saturated density क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ध्यान देना ये क्वेश्चंस आगे पूछे भी गए हैं, इन सॉइल मास ऑफ एयर इज कंसीडर्ड टू नेग्लिजिबल, एयर का मास क्या किया जाता है नेग्लिजिबल होता है, ध्यान देना यहाँ पे मास ऑफ एयर क्या होता है इज कंसीडर्ड टू नेग्लिजिबल, देयरफॉर सैचुरेटेड डेंसिटी इज मैक्सिमम। सैचुरेटेड डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है, ड्राई डेंसिटी क्या होती है मिनिमम होती है, और वेट डेंसिटी क्या होती है उसके बीच का होता है, इन बिटवीन टू। ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग दिस गैमा डी इक्वल टू गैमा टी अपन वन प्लस डब्ल्यू, और जिसमें गैमा डी क्या है ड्राई डेंसिटी, और गैमा टी वेट डेंसिटी, और डब्ल्यू क्या है मॉइस्चर कंटेंट है। देखिए मॉइस्चर कंटेंट इसमें भी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल करा दिया कि मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके आगे देख लेते कि कितने मेथड हैं, ये देखिए सारे मेथड हैं जिससे कि मैं ड्राई डेंसिटी या वेट डेंसिटी फाइंड आउट करता हूँ। तो क्या है कौन कौन से मेथड, कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड जो इस प्रैक्टिकल में हम करने वाले हैं, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट होता है, रबर बैलून टेस्ट होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, गामा रे मेथड होता है। तो ये आपको पांच मेथड देख रहे हैं, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, रबर बैलून टेस्ट, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, गामा रेज मेथड। ये सारे मेथड का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं वेट डेंसिटी, यूनिट वेट डेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, हियर वी यूज कोर कटर मेथड, द इक्विपमेंट अरेंज इन शोन एज ए फॉलो। आगे हम देख लेते हैं कुछ इक्विपमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इक्विपमेंट है, ठीक है, कोर कटर है, फिर डॉली है, और डॉली का यूज़ क्या है, डॉली का यूज किया जाता है ये कोर कटर के ऊपर रख के कि ताकि हम जब इसके ऊपर हैमरिंग करें तो ये कोर कटर ख़राब ना हो, इसलिए ये डॉली का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखें, देखिए जो आपका कोर कटर है उसका डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो डायमेंशन क्या दिया है 100 mm डायमीटर। देखो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है जिसका 100 mm डायमीटर दिया है, और हाइट कितना दिया है 130 mm। अब इसके बेस पे आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, जिसका मतलब इसके अंदर जो सॉइल होगा तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या हो जाएगा आपका डायमीटर का हाफ कर देगा 50 हो जाएगा, और एच आपका 130 दिया है, ठीक है, इस तरीके से करके हम फाइंड, और डॉली की देखिए डॉली का जो हाइट दिया और 25 और सेम इसी के डायमीटर जितना वो भी होता है। आगे देख लेते हैं अपरेटस में, जैसे सिलेंड्रिकल कोर कटर है, स्टील रैमर होता है और स्टील डॉली होती है, ये तीन स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद से जनरल की मैं बात करूँ तो क्या है, बैलेंस बैलेंस मशीन होनी चाहिए जिसकी 5 kg कैपेसिटी होनी चाहिए और सेंसिटिविटी 1 gram होना चाहिए। बैलेंस कैपेसिटी 200 grams की होनी चाहिए जिसकी सेंसिटिविटी 0.01 gram होना चाहिए। स्केल होना चाहिए, स्पेड और पिक एक्स और क्राउ बार होना चाहिए, जिससे कि हम मतलब घास जहाँ का भी मिट्टी का अगर हमें
जहाँ सॉइल का हमें को ड्राई डेंसिटी या वेट डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे उस सफाई करने के लिए भी यूज करें। ट्रिमिंग नाइफ चाहिए, ओवन चाहिए, वाटर कंटेंट कंटेनर चाहिए और डेसिकेटर चाहिए। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेट डेंसिटी। एप्लीकेशंस क्या है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, थियरी भी पार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी मेरे साथ थोड़े थोड़े करके देखेंगे, मैं इसीलिए बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़े थोड़े करके आप देखेंगे तो आपको ईजिली गारंटेड है कि आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशंस बता देता हूँ, इसमें एप्लीकेशंस को बता देता हूँ क्या है एप्लीकेशंस। फील्ड डेंसिटी इज यूज इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेस इन द सॉइल ड्यू टू इट्स ओवर बर्डन प्रेशर। इट इज नीडेड इन एस्टिमेटिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाउंडेशन सिस्टम सेटलमेंट ऑफ फूटिंग अर्थ प्रेशर बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल्स एंड एम्बैकमेंट्स। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि फील्ड डेंसिटी इसलिए ज़रूरत होता है, इसलिए यूज में होता है कि कैलकुलेट कर सकें स्ट्रेस को, ठीक है, जिसके कारण जो भी प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है उसकी बियरिंग कैपेसिटी को हम जान सकें, जो फाउंडेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ फूटिंग अर्थ प्रेशर इसे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, और उसके पीछे बिहाइंड रिटेनिंग वॉल एंड एम्बैकमेंट के बारे में भी। स्टेबिलिटी ऑफ नेचुरल स्लोप, स्टेबिलिटी पता चलेगी कि नेचुरल स्लोप डैम्स एम्बैकमेंट और कट्स इज चेक विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। इसकी हेल्प से हम इसे स्टेबिलिटी जान सकते हैं, जब अगर मुझे पता रहेगा तो। इट इज़ द डेंसिटी डैट कंट्रोल द फील्ड कंपैक्शन ऑफ सॉइल। ये डेंसिटी से ही हमें पता चलेगा कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फील्ड कंपैक्शन ऑफ द सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन इट्स डेंसिटी। परमेबिलिटी, सॉइल की परमेबिलिटी भी इसी के ऊपर डिपेंड होती है, किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर। सॉइल की डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोहेजल लेस सॉइल इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द ड्राई डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कोहेजन लेस सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी ही डिटरमाइन करती है ड्राई डेंसिटी जानने के द्वारा, ठीक है। ड्राई डेंसिटी है तभी रिलेटिव डेंसिटी हम जान सकते हैं, नेचुरली लूजेस्ट नेचुरल है या लूजेस्ट है या डेंस स्टेट में है, ठीक है। वाइड रेशियो पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन नीड द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ये इनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो ड्राई डेंसिटी की हेल्प से हो सकती है, वाइड रेशियो पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अभी आगे हम देख लेते हैं, कोर कटर मेथड इन पर्टिकुलर इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट टू मीडियम कोहेसिव सॉइल इन विच द कटर कैन बी ड्रिवन। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्राइव द कटर इन टू हार्ड बोल्डर और मोरमी सॉइल। ये सब के जगह पे हम नहीं कोर कटर मेथड यूज कर सकते हैं। इन सच केसेस अदर मेथड आर अडोप्टेड। कोर कटर ये जो पॉइंट है वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, जैसे हार्ड है या बोल्डर लैंड है या मोरमी है, तो इसी जगह पे हम इसका यूज नहीं करते हैं। आगे देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि बैलेंस चाहिए, मॉइस्चर कंटेनर चाहिए, स्पैचुला चाहिए, ओवन चाहिए, ग्लोव चाहिए, जिसकी हेल्प से हम ये करने वाले हैं। और टेस्ट प्रोसीजर को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ, मैं पहले ही बोला कि पेशेंस बना के रखे हैं तो आपको गारंटेड है कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। पेशेंस बना के रखे हैं तो ज़रूर है कि आपको ये समझ में आएगा। तो आगे पॉइंट देख लेते हैं, टेस्ट प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले क्या करना, मेजर द हाइट एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ द कोर कटर। जो भी पहले मैंने बताया आपको, कोर कटर दिखाया जिसका डायमीटर बताया और हाइट बताया, उसके बाद मेजर करना इंपॉर्टेंट है कि उसका वॉल्यूम। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कब मिलेगा हमें, जब सिलेंड्रिकल का डायमीटर और हाइट पता होगा, तभी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला यूज करके, पाई आर स्क्वायर एच यूज करके, और मैं उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं कि वेट द क्लीन कोर कटर। वेट द क्लीन कोर कटर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्लीन कोर कटर है उसका वेट मेजरमेंट कर लेंगे। समझ में आया, वेट मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद उसको W1 इंडिकेट कर लो, W1, ठीक है। क्लीन एंड लेवल द ग्राउंड वेयर द डेंसिटी इज टू डिटरमाइन। जहाँ जो जो जगह पे हम मुझे उसका ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यूनिट वेट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसको क्या कर देना, पहले एक लेवल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रेस द सिलेंड्रिकल कटर इन टू द सॉइल टू इट्स फुल डेप्थ, पूरे डेप्थ में, किसके हेल्प से, स्टील रैमर। स्टील रैमर को क्या करते हैं, सबसे पहले कोर कटर को ऐसे रख दो, थोड़ा सा दबा दो, फिर बाद में स्टील जो हैमर है उसे हम ऊपर वर्टिकली इसको रिलीज कर करके उसके ऊपर गिराते हैं, और जिसे क्या होता है वो अंदर की तरफ जाता है, उसके अंदर तक भेज देना है, मार के उसके ऊपर मैं एकदम बराबर कर देना है, लेवल तक कर देना है, ठीक है। रिमूव द सॉइल अराउंड द कटर बाई स्पेड। अब जो मेरा अंदर तक चला गया है कोर कटर,
तो उसके चारों तरफ की जो मिट्टी है उसे हटा दें, ठीक है, स्पैडुला का स्पेड का यूज करके उसके चारों तरफ की मिट्टी को हटा दें। फिर लिफ्ट अप द कटर, फिर जो कटर है उसको लिफ्ट उठा लें। ट्रिम द टॉप ऑफ द बॉटम सरफेस ऑफ द सॉइल सैंपल, सैंपल जो उसके अंदर है कोर कटर के अंदर उसके ऊपर और नीचे एकदम लेवल कर दें कि उसके अंदर का सॉइल है उसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकें, ठीक है। क्लीन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कटर, और जो कोर कटर है उसके आउटसाइड भी सॉइल लगा होगा तो उसको आउटसाइड को साफ कर देना है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, जिससे फिर उसके बाद से वेट मेजरमेंट कर लेंगे कोर कटर विथ सॉइल, कोर कटर है और उसके अंदर जो सॉइल है उसका वेट मेजरमेंट कर लेंगे। फिर रिमूव द सॉइल कोर फ्रॉम द कटर एंड टेक द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इन द वाटर कंटेंट कंटेनर टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद से हम क्या कर लेंगे कि जो उसके जो सॉइल उसमें से निकाले उस सॉइल का हम क्या कर लेंगे, मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट कर लेंगे। मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड आउट करना है मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में से एक्सप्लेन किया है, मैंने पहले भी बताया था कि वो प्रैक्टिकल हर प्रैक्टिकल में काम आएगा। तो वन ड्राई मेथड यूज करके कोर कट हमने वाटर कंटेंट फाइंड आउट किया, तो वो उस तरीके से उसका वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के बाद हम देखो इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। इतना करने के बाद देखो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, क्या प्रिकॉशंस है। स्टील डॉली शुड बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द कटर बिफोर रैमिंग इट डाउन इन टू द ग्राउंड। जब हम कोर कटर को अंदर की तरफ रैमर से मारने वाले हैं तो उसके जो कोर कटर उसके ऊपर हम डॉली को रख दें, अदरवाइज क्या होगा कोर कटर हमारा बेकार हो सकता है, इसलिए डॉली को हमें रख देते हैं। आगे क्या है, कोर कटर शुड नॉट बी यूज फॉर ग्रेवल बुल्डर और एनी हार्ड ग्राउंड, ऐसी जगह पे कोर कटर यूज नहीं होगा, उसके अलावा अदर मेथड यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिफोर रिमूविंग द कटर सॉइल शुड बी रिमूव अराउंड द कटर टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके चारों तरफ का जो सॉइल है उसको रिमूव इसलिए करते हैं कि ताकि उसके अंदर और मटेरियल ना आ जाए जब हम लेने वाले हैं, ठीक है, या इजिली हो उसको हम निकाल सकें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। व्हाइल लिफ्टिंग द कटर नो सॉइल शुड बी ड्रॉप डाउन, जब लिफ्ट कर रहे हैं तो कोई भी उसके अंदर का सॉइल ड्रॉप डाउन नहीं होना चाहिए, इतने ध्यान से केयरफुली करना है कि उसके अंदर का सॉइल नहीं निकलना चाहिए, अगर सॉइल निकल गया तो फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना डिफिकल्टीज होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखो पहला बताया कि मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट कर लेना है, तो जो पहले वाले प्रैक्टिकल वीडियो में मैंने बताया है उस वीडियो को आप देखना है कि ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। और ये वहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल देख रहे हो, पहला वाला ऑब्जर्वेशन टेबल देख रहे हो वो वहाँ पर भी मैंने बनाया है, तो उसकी हेल्प से आपने W फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, W फाइंड आउट कर लें। उसके बाद से देखो यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करने वाले ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी से पहले वेट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। और कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने मास अब कोर कटर पहले कर लिया, ओनली विदाउट सॉइल वाला कोर कटर हमने ले लिया था, उसके बाद से सॉइल के साथ हमने लिया W2, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसका वेट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेट डेंसिटी कैसे मिलेगा, वही W2 माइनस W1 करेंगे तो मुझे सिर्फ सॉइल का जो सॉइल है उसकी वेट मिल जाएगी, और डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम जो होता है सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम जो, वो डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेट डेंसिटी मिल जाएगा। और वेट डेंसिटी का ड्राई डेंसिटी में यूज कर लेंगे, देखिए ड्राई डेंसिटी इक्वल टू वेट डेंसिटी अपन 1+ मॉइस्चर कंटेंट, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 ऐसे 3 बार आपने लेके और तीनों के अलग 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 जगह के अलग अलग सॉइल के हमें लेकर और फाइंड आउट करना है। इस तरीके से हम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने कोर कटर को लेना है और उसका वेट मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से जो लैंड का जहाँ का सॉइल का मुझे ड्राई डेंसिटी या वेट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस जगह पे पहले ऊपर से साफ करके लेवल कर देना है, फिर उसके बाद से कोर कटर को रखना है, उसके ऊपर डॉली को रख के और हैमरिंग करके उसको अंदर तक जाने देना है, कहाँ तक, जो कोर कटर का लेवल है उसके अंदर तक। फिर उसके बाद से क्या करना है कि उसके आसपास के चारों तरफ के जो मिट्टी है उसको हटा देना है और उसको इस प्रकार से निकालना है कि उसके अंदर उसके एकदम टॉप और बॉटम से एकदम सॉइल फील रहे, ऐसा ना हो कि उसके अंदर से सॉइल निकल जाए, तो उतना फील करना है। उसके बाद से वो जो कोर कटर है और उसके अंदर का सॉइल है उसका वेट मेजरमेंट कर लेना है, जिसे W2 मिल जाएगा, ठीक है। यार यहाँ पे देख रहा है ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हुए मेरी बात को सुनते रहिए। फिर उसके बाद से क्या कर लेना कि जो सॉइल है उसको निकाल लो और उसका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट कर लो। जो लास्ट इसके लास्ट जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कोर वन ड्राइंग मेथड से मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट कर लेंगे। इतना करने के बाद जब मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट हो जाएगा और ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया वो सब यूज करके वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर लेना है। फिर बाद में यहाँ पर मैंने बताया कि W2 माइनस W1 अपन V,
ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके और सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका वेट डेंसिटी मिल जाएगा। और वेट डेंसिटी का यूज कर लेंगे ड्राई डेंसिटी में, वेट डेंसिटी अपन वन प्लस डब्ल्यू यहाँ पर यूज कर लेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा उसकी ड्राई डेंसिटी। इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम कुछ रेफरेंस दिया हुआ, जैसे ये रेफरेंस कहाँ से कहाँ से मिल सकता है, ये तो IS 2720 पार्ट 2 में आप 1973 जो है वहाँ पर मेथड ऑफ टेस्ट फॉर सॉइल में आप जाकर देख सकते हैं। फिर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस में देख सकते हैं, ऐसी कुछ वेबसाइट हैं वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आगे हम देखते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा ना उसी से रिलेटेड है। देखिए, आउट ऑफ वेट डेंसिटी, डायरेक्ट डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी, विच वन ऑफ देम इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक्सप्लेन। तो आपको मैंने पहले बताया कि जो सैचुरेटेड डेंसिटी होती है, सैचुरेटेड मतलब उसके अंदर वाटर भी है, तो वाटर है तो अगर देखो मैं अगर वेट डेंसिटी बताया तो क्या बताया मैंने, वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन उसके अंदर वाटर भी अगर आ जाता है तो वाटर सॉलिड और वाटर दोनों बढ़ जाता है, तो जिससे क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वेट डेंसिटी की, तो सैचुरेटेड जो डेंसिटी है उसका डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद से किसकी होती है, मिनिमम अगर बोलें तो ड्राई डेंसिटी की होती है, मिनिमम बोलें तो ड्राई डेंसिटी मतलब वाटर तो है ही नहीं है, सिर्फ सॉलिड ही है, तो सॉलिड का वेट अपन वॉल्यूम कर लेते हैं और वेट डेंसिटी क्या होती है उसके मिनिमम होती है, वो दोनों के बीच का होती है। फिर बाद में वाटर द मेन फैक्टर विच इफेक्ट इन सीटू डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो वो भी आगे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है, वहाँ से ढूंढ करके और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या होगा, ठीक है, कौन कौन से मेन फैक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है, बिसाइड द डेंसिटी डैट अदर ऑफ प्रॉपर्टी डू यू नीड टू कैलकुलेट द वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल, इसकी हेल्प से वॉइड रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैसे करेंगे, उसके फॉर्मूले आपको ढूंढ के कमेंट बॉक्स पे बताने हैं, ठीक है। इतना और आगे जो मैंने ये चार पांच मेथड भी बताए थे, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, ऊपर ऑलरेडी दिए हैं कि पांच मेथड हैं, ठीक है, अदर मेथड कैलकुलेट द फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो ऊपर दिए हुए हैं। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक क्ले, तो अबाउट 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर क्या होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब बोलो या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, बात एक ही है। डेंसिटी ऑफ सॉइल चेंज विथ, जो डेंसिटी ऑफ सॉइल है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट दोनों आ जाता है इसके बेस पे, तो ए और बी आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉइल चेंज विथ डेप्थ ऑफ सॉइल, डेंसिटी ऑफ सॉइल चेंज विथ डेप्थ ऑफ सॉइल, डेप्थ ऑफ सॉइल के बेस पे होता है, तो ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी आगे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसी पार्ट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि ताकि आपके लिए इजी रहे। तो देखिए, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, अब भी हमने पढ़ा, वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट टोटल वॉल्यूम, इससे मिल जाएगा। फिर उसके बाद से बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी डिटरमाइन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, बल्क डेंसिटी किसे फाइंड आउट होता है, कोर्स ग्रेन का, सैंड रिप्लेसमेंट, कोर्स ग्रेन है ध्यान देना, ठीक है। द बल्क डेंसिटी ऑफ क्ले कैन बी डिटरमाइन कोर कटर मेथड, क्ले का, ठीक है। फिर बाद में यह फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और वाटर कंटेंट, तो क्या है, वाई डी इक्वल टू 1 - NaG गामा डब्ल्यू अपन 1 + WG, ये फॉर्मूला याद रखने का, पहला वाला ऑप्शन राइट है। फिफ्थ में देखेंगे, द सबमर्ज डेंसिटी ऑफ सॉइल इन द टर्म्स ऑफ यूनिट वेट में, स्पेसिफिक ग्रेविटी में, वॉइड रेशियो में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डी वाला ऑप्शन, G - 1 γ into W अपन 1 + E, ये है। फिर बाद में चूज द करेक्ट आंसर, तो आपको मैंने बताया कि किसकी डेंसिटी, सैचुरेटेड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद से जो सैचुरेटेड होता है सबमर्ज बोल सकते हैं, सबमर्ज वाले की ज़्यादा होती है, फिर बाद में सैचुरेटेड की, फिर बल्क की, फिर बाद में ड्राई डेंसिटी की डेंसिटी होती है, ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिपेंड अपॉन कंपैक्शन, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिपेंड किस पे होता है, कंपैक्शन के ऊपर होता है। एट क्वेश्चन देख लीजिए, बल्क डेंसिटी, सैचुरेशन डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल वेरीज अपॉन डिग्री ऑफ कंपैक्शन, डिग्री ऑफ कंपैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वेरी करता है। नाइन्थ, डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट यूनिट वेट, यस गुड, ट्रू होगा, सिलेक्ट द करेक्ट वन, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू द सबमर्जेंस इन वाटर, सबमर्जेंस इन वाटर के कारण यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर बाद में
यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर दैन डैट यूनिट ऑफ वेट सॉइल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिसमें डी वाला ऑप्शन राइट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप देखते रहिए कि ताकि आपको पता चले। कुछ एनिमेटेड पार्ट हैं, एनिमेटेड में जो मैंने आपको स्टेप बताया वही स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान में रख लेना है और अपने इस तरीके से प्रैक्टिकल को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके और आपने इसको सॉल्व करते रहना है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चंस उठाइए और उसको सॉल्व करिए कि ताकि आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स इजी होता चला जाए। तो पहले भी मैंने बताया कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।